दोस्तों मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मेरे एक कोल्ड चेन पॉइंट पर। वहाँ पर हम एक डिफ्यूजर की फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। फॉल्ट फाइंडिंग का विषय है उपकरण में करंट का लीकेज होना, क्या क्या कारण हो सकते हैं करंट लीकेज होने के, उसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इन्हीं सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो हम अपने कार्य के स्थान पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैंने स्टेबलाइजर को हल्का सा उल्टा हाथ लगाया, उसे चेक किया कि इसमें करंट लीकेज तो नहीं है। उसके बाद मैंने बॉडी को हल्का सा उल्टे हाथ से टच किया। उल्टे हाथ से टच करने का भी एक कारण है दोस्तों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर मैंने जो लॉक की स्ट्रिप है उस पर उल्टे हाथ को हल्का सा लगाया करंट महसूस करने के लिए। दोस्तों यह खतरनाक हो सकता है, कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जैसा हम कई बार नया नया काम सीखते हैं तब हम यह गलती कर बैठते हैं। उसके बाद हमने टेस्ट पेन से जहाँ पर पेंट नहीं है वहाँ पर करंट लीकेज को चेक करने का निर्णय लिया, जो कि हमारा सबसे पहला निर्णय होना चाहिए था। लेकिन यह निर्णय भी कई बार गलत साबित हो जाता है। कई बार टेस्ट पेन शो करता है कि उसमें करंट है लेकिन नहीं होता, और यही हम वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कई बार हम इसे हल्के रूप में ले लेते हैं और जिससे कि हम अपना पूरा हाथ उस उपकरण पर लगा देते हैं। शायद हमारे पैर गीले हों, शायद हमारे हाथ गीले हों, और उससे हमें एक ज़ोरदार झटका लग सकता है जो हमारी जान पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए ऐसे उपकरणों पर, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो आईलायर हो या फिर डीप फ्रीजर हो, कोई भी उपकरण हो, तो आपको इन पर विशेष ख्याल रखना होगा कार्य करते हुए। और इन सभी बातों को मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी आप सामने देख सकते हैं टेस्ट पिन शो कर रहा है लेकिन इसमें करंट नहीं है। लेकिन अगर टेस्ट पिन शो करता तो करंट बहुत ज़्यादा भी हो सकता था। इसलिए आपको लापरवाही से इसे टच नहीं करना है। उसका एक मैकेनिज्म है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो में लास्ट तक बनेगा। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी गंभीर भी है, जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। मैं इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता देना चाहता हूँ कि आज मेरा जो कार्य है वो फील्ड का नहीं है, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश हो रही है और इतनी बारिश में फील्ड में जाना संभव नहीं था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना बारिश कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और आप सभी दोस्तों से कुछ बातें कर ली जाएं। और विषय मैंने चुना, हमारे उपकरणों में कई बार लाइन टेस्टर लगाने से वो जल जाता है, लेकिन जब हम उपकरण को हाथ लगाते हैं तो उसमें हमें करंट नहीं लगता। लेकिन आप इस गलतफहमी में ना रहें, जब भी आप किसी उपकरण को इस केस में हैंडल करें तो आपको काफ़ी गंभीर हो जाना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा क्योंकि मैंने इसे अपने आप पर एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्योंकि दोस्तों जब हम नए नए थे और हमारे उस्ताद जी हमें काम करने के लिए भेज देते थे इन तरह के केसों पर, यानी कि जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो ये केस काफ़ी मात्रा में आते हैं। और कस्टमर जब कभी अपने फ्रिज को हाथ लगाता है, जब उसके पैर गीले होते हैं या हाथ गीले होते हैं तो उसको हल्का सा करंट महसूस होता है, और वो इस कार्य को दुरुस्त करवाने के लिए हम टेक्नीशियंस के पास आता है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि इसे हल्के में ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलत बात हो जाती है हमारे स्वास्थ्य के साथ। क्योंकि मैं ऐसे केस में एक बार काफ़ी हाई वोल्टेज का करंट खा चुका हूं, इसलिए मेरे दिमाग में इस विषय को उठाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और जो मेरे दोस्त नए हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो अभी अभी काम सीख रहे हैं या जिन्होंने इस बात का तजुर्बा अभी नहीं किया कि लाइन टेस्टर जल जाता है लेकिन करंट नहीं लगता, लेकिन आप इस गलतफहमी में ना रहें। कई बार लाइन टेस्टर जलता है और करंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे उपकरणों को आप कैसे हैंडल करेंगे, इसी बात को मैं आज आपको इस व्लॉग के माध्यम से बताऊँगा कि आपको उस उपकरण से कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए जिस उपकरण में लाइन टेस्टर जलता है। हो सकता है कि उसमें करंट हो सकता हो ना हो, तो आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। उसका एक तरीका होता है, एक मैकेनिज्म होता है कि आप ऐसे उपकरण को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वही मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी एक हमारा उपकरण
फॉल्टी तो नहीं हो गया, या फिर हमारी कोई वायरिंग किसी बॉडी से टच हो गई हो, या फिर हमारा थर्मोस्टेट ख़राब हो गया हो, या फिर अगर आपका फ़ैन लोहे का है वो जल के उसकी वायरिंग बॉडी से टच हो गई हो, तो सबसे पहले ये सभी रीजन चेक करने चाहिए, क्योंकि हल्का फुल्का जो हमारा विद्युत होता है वो बॉडी में आ जाता है इन बारिश के मौसम में। लेकिन अगर आपके पैर सूखे हैं, आप चप्पल पहने हुए हैं, कोई लोहे, कई बार हम क्या करते हैं जब हम किसी उपकरण में ये 3 पिन वाला शू लगाते हैं, या फिर आप किसी घर में जाते हैं, उस घर का जो ओनर होता है उसने भी यह प्रक्रिया कई बार खुद कर लेता है, यानी कि शू अपने फ्रिज में या किसी भी उपकरण में लगा लेता है, और कई बार जो हमारा ये वायर है फेस का, ये हमारे 3 पिन से टच हो जाता है, या फिर जिसमें हमारी जिस सॉकेट में 3 पिन जाती है, कई बार क्या होता है कि गलती से उस 3 पिन सॉकेट के पॉइंट से फेस की वायर टच हो जाती है, और आपको पता ही है कि अनुमोनन जो हमारे उपकरण होते हैं, हमारा फ्रिज है या जो भी है, उसमें एक अर्थिंग की वायर होती है जो हरे रंग की होती है, आप सबको पता ही है, और वो हमारा बॉडी से अटैच होता है। जैसे मेरा ये पॉइंट है, यहाँ पर मेरी अक्सर अर्थिंग की तार लगी होती है जो हमेशा हरे रंग की होती है। इसमें देखिए ये पीला और हरा रंग है, ये मेरी अर्थिंग की वायर है और यहाँ पर मेरी अटैच होती है, और उस 3 पिन शू में ये मेरी फेस की वायर यहाँ टच हो जाएगी तो भी मेरे पूरे उपकरण में करंट आ जाएगा, या फिर सॉकेट में जहाँ ये पिन लगती है उस पर अगर वो फेस की तार चिपक गई या फिर शॉर्ट सर्किट होने से इस पर लग गई तो भी पूरे उपकरण में करंट आ जाएगा। तो अक्सर हम क्या करते थे, तो सबसे पहले हम इस अर्थ की वायर को काट देते थे, फ्रिज से उसे डिस्कनेक्ट कर देते थे, क्योंकि उसकी एक वजह होती थी। जब हम किसी के घर पर जाते थे तो उसने अपने यहाँ ग्राउंड की फिटिंग नहीं करवाई होती थी, तो जब उसके यहाँ पर ग्राउंड की फिटिंग नहीं है तो हम इसका औचित्य नहीं समझते थे, और उस वक्त हम काट देते थे कि कहीं यही रीजन तो ना हो। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप देखिए 3 पिन शू में देखिए, या फिर आप थर्मोस्टेट पर एक अर्थिंग की वायर लगी होती है हमारी, उसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए, लेकिन बॉडी से ऐसा ना कीजिए, क्योंकि शायद भविष्य में कस्टमर अपने यहाँ पर ग्राउंड की फिटिंग करवा ले। तो दोस्तों, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए इस बारिश के मौसम में। तो दोस्तों, कोशिश थी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ, शायद आपका एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो, मेरे से भी बेहतर हो, तो आप भी साझा कीजिए मेरे साथ अपने तजुर्बे को, अपने एक्सपीरियंस को, क्योंकि दोस्तों इंसान सारी उम्र सीखता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए शायद जो बातें आपको पता है मेरे को ना पता हो, और जो बातें मेरे को पता है शायद आपको ना पता हो, ये बातें हमेशा अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस साझा करने से ही होती हैं। तो बारिश का मौसम है, अपने आप को सुरक्षित रखिए, किसी भी उपकरण को छूने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से कन्फर्म कर लीजिए कि कहीं यह उपकरण शॉर्ट तो नहीं हो गया है, या फिर यह उपकरण करंट लीकेज तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारी एक गुड प्रैक्टिस हो जाती है, और इसी को हम अपने तजुर्बे में शामिल करते जाएंगे तो एक दिन हम सभी वो कार्य ऑटोमेटिक करते जाएंगे जो एक अच्छी प्रैक्टिस में आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप नए टेक्नीशियंस हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा हर आने वाला नया वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो पाए। और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, ताकि वहाँ भी मैं आप सब दोस्तों से जुड़ पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।